हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप जैसे वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि मैं आज बनाने वाला हूँ माशी कोशा, जो कि लेबनीज़ की फेमस डिश है और अरबिक, जिसको हम अरबिक डिश भी बोल सकते हैं। तो ये है बेबी मेरो, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रीन जुगनी, और मैं इसको पील करूँगा, यानी कि इसमें स्टफिंग करने के लिए इसके अंदर से हम होल करेंगे। तो मैं बाहर से भी हल्का सा पील कर रहा हूँ ताकि शाइनिंग लगे और डेकोरेट लगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो लेट्स सी, वीडियो में बने रहें और फुल रेसिपी का मज़ा लें। तो मैंने लिया कीमा, जो कि लगभग 300 ग्राम कीमा है, और यह है मीट कीमा। तो इसमें मैं राइस राइस मिक्स करूँगा। ये भी मैंने राइस भिगा के रखे हैं, ये भी कच्चे राइस हैं, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ लेमन सॉल्ट, जो कि खट्टा होता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ थोड़ा सा जातर, जो कि लेबनीज हर्ब्स है, इसको हम हर्ब्स बोल सकते हैं। यह है सॉल्ट है, और यह है चिकन स्टॉक पाउडर। और अब मैं डालने वाला हूँ इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, यानी धनिया पत्ता, एंड फ्रेश मिंट लीव्स। जो भी अरबिक डिश होती है उसमें लेमन तो ज़रूरी होता है, तो लेमन हम थोड़ा डाल देंगे। सही है। तो इसको हम अच्छे हाथ, अच्छे से ग्लव्स पहन के मिक्स करेंगे हाथों से। और आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं मैं किस तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। जो ये राइस है और ये मसाले हैं, जो भी हर्ब्स हमने डाले हैं, वो कीमा के साथ अच्छे से मिक्स होने चाहिए। तो मैंने इसमें अरबिक पार्सली भी डाल दिया, इसको हम अरबिक पार्सली बोल दे सकते हैं। यह है पार्सली। तो मैंने अभी इसमें डालूंगा चॉप टमाटर, फाइन चॉप टमाटोस, एंड ऑनियन, यानी प्याज। तो इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये इसका टेस्ट होना चाहिए स्वीट, लिटिल बिट स्वीट एंड सावर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यानी खट्टा। थोड़ा सा मैंने क्यूमिन पाउडर भी डाल दिया, और इसमें आप चाहे तो नट्स भी डाल सकते हैं, लाइक पाइन नट्स और वॉलनट्स, आपके पास जो भी नट्स हैं आप डाल सकते हैं। आप इसको चिकन कीमा के साथ भी बना सकते हैं, अप टू यू। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको स्टफ़ कर रहा हूँ, और इसको अच्छे से स्टफ़ करना है, क्योंकि थोड़ा सा ये आप ढीला स्टफिंग करेंगे, यानी लूज़ स्टफिंग करेंगे, तो ये बाहर निकल सकता है कुकिंग के टाइम में। तो इसको थोड़ा टाइट करके भरना है, और फटना भी नहीं चाहिए, आपका जो बेबी मेरो है वो फटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से, तो वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टफिंग पूरी हो गई है अपनी। उसके बाद जो हम एक हांडी लेंगे, यानी कि एक पतीला लेंगे, उसको थोड़ा डीप वाला होना चाहिए। उसके नीचे से हम पटाटो स्लाइस डाल देंगे। अगर आपके पास कुछ और वेजिटेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ताकि वो जस्ट और वो नीचे से डालने का मतलब है ताकि वो नीचे लगे ना कुकिंग के टाइम में या पकाने के टाइम में। तो इसके नीचे मैंने पटाटो स्लाइस डाल दिया, और थोड़ा ऑनियन डाल दूंगा, थोड़ा गार्लिक भी डाल दूंगा फ्लेवर के लिए, क्योंकि आप जितना हर्ब्स डालेंगे, जितना आप वेजिटेबल डालेंगे तो उतना टेस्ट होएगा। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको फ़ोटो के लिए बना रहा हूँ, यानी टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, इसके लिए कम है। तो मैंने इसके ऊपर से मैंने डाल दिया थोड़ा धनिया पत्ता, मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स और पार्सली और लेमन जूस, और ये लेमन जूस के जो पीसेस हैं वो लेमन पीसेस भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, और जो मैं इसमें पानी डालने वाला हूँ वो पानी में होना चाहिए आपका लेमन जूस, सॉल्ट और चिकन स्टॉक वाटर। आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें फ्लेवर आएगा और सॉल्ट भी थोड़ा लगेगा। इस तरीके से मैंने ये पानी में ऐड किया, जो इसका कुकिंग वाटर है, तो इस तरीके से मैंने डाल दिया। इसको स्लो हीट में पकाना है आपको, लगभग 1 आवर। अब ज़्यादा हीट में पकाएंगे तो आपका जो जुगनी है वो फट जाएगा। देख सकते हैं हमारा तो ये डन हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया। वाव, नाइस फ्लेवर। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग शुरू करते हैं, और वीडियो में बने रहें आप लोग। तो ये अच्छे से कुक हो गया, आप देख सकते हैं। इसको ओवर कुक भी नहीं करना है, और ज़्यादा
कच्चा भी नहीं रखना है। तो मैं अभी प्लेटिंग चालू करता हूँ, लेट्स सी। प्लेटिंग आप देखें किस तरीके से करते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच। और वीडियो में बने रहें, वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे भी थोड़ा कुछ सजेशन दें आप, कमेंट बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी बताएं। थैंक यू सो मच, और वीडियो में बने रहें।